हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा और मैं हूँ कल्याण में। ये आई थिंक मेरा तीसरा वीडियो होगा कल्याण में, एंड दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल। फर्स्ट, मुझे कल्याण शिफ्ट हुए थोड़ा टाइम हो गया है, सो आई हैव एक्चुअली एक्सप्लोर्ड सम हिडन जेम्स जो मैं आपको ये वीडियो में दिखाने वाली हूँ। एंड सेकेंड, दिस इज अ 300K स्पेशल वीडियो। आई डोंट थिंक मैंने कभी अपने चैनल पे हिडन जेम्स जैसा कुछ किया है। आई हैव ऑलवेज बीन टू पॉपुलर प्लेसेस, सो दिस इज अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर मी। ऑल्सो टू सेलिब्रेट 300K सब्सक्राइबर्स, ये वीडियो में एक गिव अवे भी होगा, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड टू सी के गिव अवे क्या होने वाला है। कमिंग टू टुडेज वीडियो, आज के वीडियो में हम ढेर सारा डिलिशियस फूड खाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू ईट सम नॉर्थ इंडियन फूड, सम मोमोज, सम शॉर्मा, सैंडविच, सो मच स्टफ। और ये सारी प्लेसेस जो भी हम कवर कर रहे हैं, ये जगहों पे मैंने 2-3 बारी तो मिनिमम खा रखा है, एंड आई कैन से दीज आर वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेज इन कल्याण नाउ। सो इफ यू ट्राई दीज प्लेसेज आउट, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो और ऑन माई इंस्टाग्राम। सो लेट मी टेल यू सम ऑफ द हिडन जेम्स दैट आई फाउंड इन कल्याण। जो पहली प्लेस हम आए हैं वो है सदगुरु कृपा। मुझे याद है जब मैं कल्याण में शिफ्ट हुई थी, एक्सीडेंटली मैंने यहाँ का एक टोस्ट खा लिया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट उनके टोस्ट से ज्यादा मुझे अच्छी लगी थी इनकी चटनी। दिस इज ट्रूली अ हिडन जेम। ये सिनेमैक्स के लेन में आता है, बट इसका एग्जैक्ट लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने 2 चीजें ले ली है, वन इज दिस मसाला टोस्ट और दूसरा बेक पास्ता जो हमारा अभी बन रहा है। बट लेट मी शो यू दिस, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस इज ये लोग बहुत ही फ्रेश और हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, जो मैंने फर्स्ट टाइम में ही नोटिस किया था। एंड सेकेंड इज इनकी प्रिपरेशन बहुत सिंपल होती है और इसीलिए टेस्ट भी जैसे मतलब चाहिए वैसे ही होती है, एकदम ऐसे अच्छी। ये इनकी गार्लिक चटनी होती है जो हल्की सी स्पाइसी होती है, एंड दिस इज अ मिंट कोरिएंडर चटनी। आई लव बोथ ऑफ दीज चटनीज, बट ये गार्लिक चटनी मेरी फेवरेट है। ऑल्सो इसमें ये लोग टमेटोज भी डालते हैं, बट मैंने उन्हें टमेटो मना किया डालने के लिए। सो देयर इज आलू की एक लेयर, आलू मसाला, वो जो आलू होता है उसकी लेयर, अनियन, कुकम्बर्स एंड बीट रूट। पता नहीं बीट रूट का टेस्ट मुझे एक टोस्ट में इतना अच्छा क्यों लगता है, जस्ट सो प्लेजेंट एंड ब्लेंड सो वेल, एकदम बैलेंस्ड फ्लेवर्स। ट्रस्ट मी, मैंने मुंबई में भी बहुत टोस्ट खाए हैं, दिस कम्स क्लोज टू दैट, इट्स वेरी गुड। टोस्टेड परफेक्टली, जितना बटर ज़रूरी है उतना ही, वेजिटेबल्स बॉयल नाइसली। ये गार्लिक चटनी मुझे इनकी USP लगती है, बहुत सही होती है। अभी हमारा बेग पास्ता भी रेडी हो गया है, दिस इज फॉर 90 रुपीज। इसमें ढेर सारा चीज डाला है उन्होंने। ओ हो हो, ये देखिए, ओ माई गॉड, दैट्स सो चीजी। प्लीज इग्नोर द नॉइज, यहाँ पे बहुत सारा आवाज है। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट ऑफ दिस। तो इस पे इन्होंने प्रोसेस चीज और मोजरेला चीज दोनों डाला है। ओके, इसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स भी हैं, बेल पेपर्स। यूजुअली ऐसे डिशेस में लोग स्वीट कॉर्न डालते हैं टू ब्रिंग द स्वीटनेस। इसमें इन्होंने कैरमलाइज्ड अनियन डाला है, लाइक दे हैव कैरमलाइज्ड द अनियन टू ब्रिंग दैट स्वीटनेस। देन देयर इज चिली फ्लेक्स। इसमें ना नमक हल्का सा कम है, पर हमने ही उनको बोला था अगर आपको ज़्यादा नमक चाहिए पहले ही बोल देना। एंड देयर इज कैप्सिकम। इट्स लाइक वेरी स्ट्रीट स्टाइल, एकदम ऐसा सिंपल बेक पास्ता, लॉट्स ऑफ चीज़, वेरी सिंपल, लव इट। बट माई फेवरेट इज द टोस्ट, प्लीज ट्राई द टोस्ट। यहाँ पे पनीनीस और गार्लिक ब्रेड भी मिलते हैं, आई लव इट। बट इनके ऐसे यूजली दूसरे आइटम्स भी अच्छे ही होते हैं। ये देखिए भाई, क्या चीज़ निकल रही है ये। तो शुरुआत तो हमने बहुत अच्छे से की है, नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं, तब तक हम ये इन्जॉय करते हैं। आज की जो दूसरी प्लेस हम आए हैं, इट्स कॉल्ड विंग्स एंड चिप्स, इट्स राइट बिहाइंड मी। और यहाँ की ना थोड़ी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये जगह पे मैंने रिसेंटली खाया था और मुझे यहाँ का फूड इतना अच्छा लगा था।
ये प्लेस आता है गोदरेज हिल पर डीमार्ट के बाजू में और यहाँ का मुझे बारबेक्यू चिकन बहुत अच्छा लगता है। आई हैव द मेन्यू ऑफ विंग्स एंड चिप्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी, लेट मी शो यू। सो दे हैव सूप्स, देन यहाँ पे उनके बहुत सारे स्टार्टर्स हैं, दे हैव चिकन विंग्स, यहाँ के चिकन विंग्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे चाइनीज आइटम्स हैं, यू ऑल्सो गेट सम थाई फूड, ग्रेवीज, कोल्ड ड्रिंक्स। हम लोग यहाँ पे आज खाने वाले हैं बारबेक्यू चिकन एंड आप बारबेक्यू पनीर भी खा सकते हो, बारबेक्यू मशरूम भी खा सकते हो, द सॉस इज बेसिकली द सेम। सो लेट्स ईट फ्राइड नूडल्स एंड सम बारबेक्यू चिकन। ये रहे हमारे नूडल्स एंड बारबेक्यू चिकन, इट स्मेल्स सो गुड, इट लुक्स सो टेम्पटिंग, लेट मी शो यू। सो दिस इज चिकन बारबेक्यू, ये फ्राइड चिकन है विच इज टॉस्ड इन बारबेक्यू सॉस, कैप्सिकम, मुझे थोड़ा कोरिएंडर भी दिख रहा है। दिस लुक्स वेरी टेम्पटिंग, ये टिपिकली ऐसे ड्राई नहीं है, हल्का सा ग्रेवी होता है। एंड दिस इज फ्राइड नूडल्स, लॉट्स ऑफ वेजीज। सबसे पहले हम खाते हैं फ्राइड नूडल्स, ये मैं लेती हूँ थोड़ी शेजवान चटनी डालती हूँ इसमें। Let's take a first bite. Oh wow, not very spicy, lots of veggies, very less oil and cooked so nicely. Actually there's lots of veggies, like bahut sare vegetables hain. Inke jo noodles hain wo thoda restaurant style feel dete hain, but their chutney gives you that street style jo Chinese stalls nahi hote hain waisa wala feel, ekdam waisa taste karte hain. Now let's eat the barbecue chicken. Oh, it's very crispy. So good. Love the barbecue chicken here. Chicken is fried pehle, toss karne ke pehle. To usme thoda aisa crispy texture hai, halka sa sweetness hai. Barbecue chicken mein bhi bahut sare vegetables hain, capsicum hai. Then they put onion. Absolutely love this. The next place of the day is Momo Junction right behind me. मैंने कल्याण में इतने जगहों पे मोमोज खाए हैं, बट मुझे अभी तक ना कोई इतने ऐसे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे हैं एक्सेप्ट दिस प्लेस। यहाँ के मोमोज मुझे काफी अच्छे लगे थे। चलिए मैं आपको इनका मेन्यू दिखाती हूँ एंड देन आई टेल यू व्हाई आई लव दिस प्लेस। लेट्स गो। ये जो मोमो जंक्शन प्लेस है ये रामबाग लेन में आती है और ये प्लेस मैंने एक दिन ऐसे ही टाइम पास में ट्राई कर ली थी और मुझे यहाँ के मोमोस एक्चुअली बहुत अच्छे लगे थे। इनका टेस्ट तो बहुत अच्छा था बट दे आर वेरी इनएक्सपेंसिव टू। सो एवरी मोमो यू गेट इन स्टीम एंड फ्राइड वर्जन एंड आपको हाफ एंड फुल दोनों आप सिलेक्ट कर सकते हो, हाफ में 4 pieces एंड फुल में 8 pieces। सो यू हैव दीज मैनी ऑप्शंस। हमने ले लिए हैं बटर चिकन मोमोज एंड चीज़ एंड कॉर्न मोमोज, ये मेरे फेवरेट मोमोज हैं यहाँ पे। दीज आर द मोमोज, ये हैं बटर चिकन मोमोज। व्हेन आई से बटर चिकन इट्स लाइक अंदर चिकन बट इट हैज़ लॉट्स ऑफ बटर एंड दिस इज़ फ्राइड चीज़ एंड कॉर्न मोमो। यहाँ के जो मोमोज होते हैं वो तो अच्छे होते ही हैं बट यहाँ की जो चटनी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। इट्स नॉट लाइक वेरी स्पाइसी बट बहुत डिलिशियस होती है। चलिए हम ट्राई करते हैं अभी बटर चिकन मोमोज के साथ। आप यहाँ पे वेज शेजवान मोमोज भी ट्राई कर सकते हो, स्टीम वाले, माई मॉम लव्स दोज। इसमें ढेर सारा बटर होता है, दिस इज़ वेरी जूसी। ये बहुत छोटे मोमोज होते हैं बट जेनरस फिलिंग होती है इसमें, ये देखिए द फिलिंग इज़ जेनरस। ये हम डालते हैं चटनी के अंदर। ये अपने बटर चिकन मोमोज में भी थोड़े स्वीट कॉर्न डालते हैं। द चिली गार्लिक चटनी इज़ अमेजिंग, सो बटरी। ये छोटे होते हैं मोमोज काफ़ी, अब फुल प्लेट ही लेना, दे टेस्ट अमेजिंग। अभी हम खाते हैं ये फ्राइड वाले, ये हैं चीज़ एंड कॉर्न, ये भी एकदम छोटे से होते हैं बट ये भी मैंने पहले खाए हैं, बहुत डिलिशियस होते हैं। इसके अंदर ढेर सारी चीज़ एंड कॉर्न होता है। मेरे को इनके मोमोज की एक और चीज़ क्या अच्छी लगती है कि दे डोंट ओवर यूज़ द गार्लिक। बहुत लोग मोमोज के स्टफिंग में गार्लिक बहुत ओवर यूज़ कर लेते हैं विच दे डोंट, एंड इनके डिप में गार्लिक का अच्छा स्वाद होता है।
अभी मैं जो प्लेस पर आई हूँ इसे मैंने कल्याण फूड पार्ट टू में भी कवर किया था, इट्स कूबा रेस्टोरेंट। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे बिरयानी खाई थी, बट मैं बताती हूँ ये हिडन जेम क्यों है। यूजुअली कल्याण में ना शॉर्मास बहुत जगहों पे मिलते हैं, लाइक एवरी कॉर्नर पे देयर इज अ शॉर्मा स्टॉल। और सबसे फेमस आई थिंक जो वसंत वैली के ऑपोजिट दुबई शॉर्मा, यूवी शॉर्मा, ये सब बहुत फेमस हैं। बट मुझे लगता है कि कूबा रेस्टोरेंट का शॉर्मा सबसे बेस्ट है। 3 बार खा चुकी हूँ मैं यहाँ पे और मेरा ये ओपिनियन चेंज नहीं होता है। आई हैव ट्राइड सो मेनी शॉर्मास इन कल्याण एंड आई थिंक दिस वन इज़ द बेस्ट। लेट मी शो यू, ओ माय गॉड लुक एट दिस। यहाँ का जो शॉर्मा है वो मुझे बहुत क्लोज टू जैसे हम कार्टर्स पे खाते हैं बैंड्रा में वैसा लगता है। मतलब इट्स नॉट लाइक वेरी स्ट्रीट स्टाइल, प्राइस स्ट्रीट स्टाइल है, बट टेस्ट उसका बहुत अच्छा होता है। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। सो गुड। दे स्पाइस अप द चिकन विद लॉट्स ऑफ ब्लैक पेपर। इसमें ये लोग मेयोनीज और हरिसा सॉस को मिक्स करते हैं विथ सम फ्राइज, क्यूकम्बर्स एंड बीटरूट एंड इट टेस्ट सो यम। इनकी ब्रेड भी काफ़ी फ्रेश होती है। अभी हम जो नेक्स्ट प्लेस पे आए हैं वहाँ पे हम चाट खाने आए हैं। बीकानेर स्वीट्स के बाहर 6 फ्लेवर पानीपुरी मिलती है। ये मैकडोनल्ड्स के आप थोड़ा आगे आ जाओगे तो दूसरे ही साइड पे आपको मिल जाएगी। मैं फिर भी जो लोकेशन डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये प्लेस की खासियत ये है कि आपको 6 फ्लेवर्स का पानी मिलता है पानीपुरी में। ये लास्ट टाइम आई थिंक मैंने बोरिवली में ऐसा कुछ खाया था। कल्याण में मैंने ऐसे देखा नहीं कि कहीं पर मिलता हो और यहाँ पर मैं पहले खाया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का पानीपुरी। सो लेट्स ईट दिस। सो यहाँ पर देखिए देर इज़ जीरा, लहसुन, पुदीना, हजमा हाजम, नींबू, रेगुलर। मेरा फेवरेट है हजमा हाजम, पुदीना और रेगुलर। मुझे जीरा वाला भी बहुत पसंद है। सो दे यूज़ मिनरल वाटर टू मेक इट। और सबसे पहला ये फ्लेवर है जीरा। स्पाइसी, जीरे का बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आया। नेक्स्ट इज़ लहसुन, अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑफ गार्लिक, एकदम थ्रोट पे जाके लगाइए। ये था पुदीना, हजमा हजम, ये मेरा फेवरेट है। थोड़ा सा मीठा होता है, तीखा भी। नींबू, ये दिखने में थोड़ा नींबू पानी जैसा लगता है। खट्टा। लास्ट इज रेगुलर। रेगुलर में कौन सा होता है? सब मिक्स होता है। ओके, उसके बाद रेगुलर जिसमें सब मिक्स होता है। बहुत बढ़िया। अभी हम ख़त्म करते हैं सूखा पूरी के साथ। अभी टाइम हो गया है डिनर का। डिनर के लिए मुझे आपको एक प्लेस दिखानी थी, जायका। ये प्लेस से एक्चुअली हम लोग ने न्यू ईयर्स के टाइम पे डिनर ऑर्डर किया था और हमें यहाँ का फूड बहुत अच्छा लगा था। स्पेशली मुझे इनकी बटर चिकन बहुत अच्छी लगी थी। नाउ आई डोंट नो ये प्लेस हिडन जेम्स में आता है या नहीं, बट मुझे ये प्लेस के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम था एंड आई केम टू नो अबाउट इट ऑन न्यू ईयर्स एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस प्लेस। तो मुझे वहाँ पे बैठ के खाने का मन नहीं हो रहा था। आई थॉट कि मैं घर पे खाऊंगी, आई गेट चेंज, मैं कुछ कंफर्टेबल पहनूंगी एंड आई ईट द फूड। तो मैंने अपने लिए जायका से मंगा लिया है बटर चिकन, हाफ प्लेट बटर चिकन, जीरा राइस एंड बटर गार्लिक नान। बटर गार्लिक नान मैं नहीं खाऊंगी, वो मोस्टली मेरा भाई खाने वाला है। ये बटर चिकन हल्की सी वाटरी होती है इसलिए मैंने राइस मंगा लिया, अदरवाइज मैं बटर चिकन नान के साथ खाती हूँ। बट इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। इनका ऑयल प्रोपोर्शन भी ज़्यादा होता है। लुक द ऑयल प्रोपोर्शन इज टू मच। दिस इज सम जीरा राइस। ओहो, ये ऐसे जन्नत दिख रहा है, राइट? बटर चिकन एंड जीरा राइस। और यहाँ पे है नान। नान तो मैं नहीं खाऊंगी बट मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। दिस इज सम बटर गार्लिक नान। ये देती हूँ मैं चावल। ये देखिए बटर चिकन, इट्स एक्चुअली वेरी बटरी क्रीमी। और ये हम डालते हैं राइस के ऊपर। चलो तो मैं मिक्स करती हूँ अभी। लेट मी टेक सम चिकन। और ये काफ़ी गर्म है, इसको लाए 15 मिनट हो गए फिर भी ये अच्छा खासा गर्म लगा पड़ा है। वैसे यहाँ का नॉर्थ इंडियन फूड एनीवे अच्छा है, मैंने बहुत रिव्यूज भी पढ़े इनके। दे हैव डिलिशियस बटर पनीर एंड पनीर टिक्का एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो इफ यू गाइज वॉन्ट टू ऑर्डर इन वेज। डिलिशियस। जीरा राइस भी बहुत अच्छे हैं। ओनली वन ड्रॉबैक, जो मेरे लिए इतना ड्रॉबैक नहीं है,
क्योंकि मुझे इतना हैवी या टेस्ट में डिफरेंस नहीं लगता है, बट बहुत लोगों को लग सकता है कि इसमें ना ऑयल प्रोपोर्शन हल्का सा ज़्यादा रहता है। मुझे ना बटर चिकन हल्की सी स्वीट पसंद है, दैट इज़ वाई आई थिंक आई लव द बटर चिकन ऑफ दिस प्लेस, क्योंकि इसमें वो स्वीटनेस का हिंट इतना प्यारा सा है। सो जब तक मैं ये खा रही हूँ, मैं आपको फटाफट गिव अवे के बारे में बता देती हूँ बिफोर आई टेल यू अबाउट द गिव अवे। थैंक यू सो मच फॉर 300K सब्सक्राइबर्स, आई कांट बिलीव दिस। अभी नेक्स्ट टारगेट है 500K सब्सक्राइबर्स, फटाफट करते हैं। बट टू सेलिब्रेट 300K सब्सक्राइबर्स, आई जस्ट वॉन्ट टू डू अ वेरी स्मॉल गिव अवे। सो जो भी ये गिव अवे जीतेगा उसे मिलेंगे वाउचर्स ऑफ नायका एंड Amazon वर्थ रुपीज 3000। यस, 3000 रुपीज के आपको वाउचर्स मिल सकते हैं Amazon और नायका के। एंड आपको करना क्या है, You have to, of course, subscribe to my channel. Hit the bell icon. You have to subscribe to my other channel, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। You have to follow me on Instagram. और आपको कमेंट्स में जाके लिखना है done space आपका शहर का नाम और आपका नाम। That's all you have to do. Subscribe to my channel, follow my Instagram and go in the comments and write done space. ऐसे आपको अपना नाम और शहर लिखना है। So ऐसे मुझे भी मालूम पड़ेगा कि मेरे subscribers कहाँ से हैं और आप ऐसे giveaway में easily participate भी कर सकते हो। और ये giveaway का जो winner होगा वो बहुत random और I'm just gonna choose anyone. So please don't hate on me. 400K पे हम दूसरा एक गिव अवे करेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट इज वेल। अभी के लिए मैं एंजॉय करती हूँ। अगर आपको गिव अवे का कुछ भी समझ में नहीं आया हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार देख लेना, आई विल राइट अबाउट इट ओवर देयर इज वेल। आई एंजॉय दिस नाउ। यार आज की वीडियो में ना हमने बहुत सारी ऐसी डिशेज कवर की हैं, सो इफ यू वॉन्ट टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन।